मेरे और आपके अको हाँ मौला ने रिशात फरमाया क्यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो कसरत से मेरे ऊपर दरूद पड़ने वाला होगा तो ये हुजूर की का जामिन है दरूद तो इसलिए अपनी औलाद को हजूर असलाम पर दरूद पढ़ने की तरगीब दो बचपन में ही अपने घर के अंदर मजाल से दरुद कायम करो रोजाना की बुनियाद पर हो तो बहुत अच्छा नहीं तो हर आठ दिन के बाद एक दिन ज़रूर मुतयन कर लिया जाए जुमतुलमबारक के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी गई है और इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं तो हज़रत अबू दरदार अजी अल्लाह तहुन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वसम आपकी हयात तय्यबा में तो ठीक है लेकिन जब आप इंतकाल कर जाएं तो क्या उसके बाद भी ये अमल जारी रखा जाए इबन माजा में ये रवायत मौजूद है तो हजूर आलम ने हज़रत अबू दरदा से फरमाया हाँ मेरे वाल के बाद भी इस अमल को जारी रखना और साथ किया कि अल्लाह ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिसमों को खाए नबी कब्रों में जिंदा होते हैं उनको रिज्क भी दिया जाता है तो कहा कि ये मेरे बाद भी मेरे ऊपर दरूद के सिलसिले को जारी रखना तो एक मोमेंट तो दरूद के साथ जुड़ा हुआ है वो तो दरूद के बगैर दिन गुजार ही नहीं सकता अलग से ना भी पढ़े तो उसको नमाज के अंदर दरूद पढ़ना ही होता है दरूद इब्राहिमी तो नमाज का हिस्सा बना दिया गया और उसको कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी गई तो दरूद एक ऐसा वजीफा है कि जो अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा शामिल कर सकते हो उतना ज्यादा शामिल कर लो वैसे भी दरूद पढ़ने से बच्चों में तकदस पैदा होता है बच्चे पाक दामन रहें, इफ़त महाब रहें उनकी तबाह में तकद्दस रहे आप चाहते हैं हर माँ बाप चाहता है और फिर दौरे मौजूद के अंदर जो फितने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी औलादें तकदस महाब रहें तो उनको दरूद की तरगीब दो तो उसका अमली नतीजा यही होगा कि उनमें तकदस का जौहर पैदा होगा और उनकी इसमत की हिफाजत रहेगी और दरूशरीफ पढ़ने वाले बच्चे और दरूद शरीफ ना पढ़ने वाले बच्चे दोनों की आदत में फर्क होता है दरूद पढ़ने वालों की तबा में रिक्कत लताफत नरमी मोहब्बत शफकत जैसे जज्बात पैदा होते हैं ये दरूद शरीफ का अमली नतीजा है बास लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बड़े अकड़ हैं बड़े तुंद मिजाज हैं बड़े सख्त गिर हैं तो उसका इलाज क्या है तो उसका इलाज यही है कि उनको दरूद की तस्वीर दो दरूद अकड़ तोड़ देता है तबीयत की तुंदी निकाल देता है तबाह की तलखियां खत्म कर देता है मोहम्मद अरबी के नाम की मिठास पैदा कर देता है हुजूर का नाम शहद से मीठा है दिलावेज है खंड में उतनी मिठास नहीं है शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है शहद में उतनी मिठास नहीं है कंध और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नामे मोहम्मद में रखी गई उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे उनसा प्यारा और ना कोई उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते मेरे शहर के एक पंजाबी शायर है तो कलम ही तोड़ दिया ना तेन सीने ठंड आखा अगर आपका हो तो तेन सीने ठंड आखा शहद गुलाब ते तेड आखा खां। तेन नबिया लाड़ा आखा तेरे हिजर मैं हाड़ा आखा तो उनका नाम ही मीठा है दिल आवेज है तो दरूद गुस्सा ख़त्म करता है तबीयत की तलखी और तुंदी मिटा देता है अक्खड़पन खत्म करता है तो आप अगर चाहें कि औलाद अखड़ है तो उनको किसी तरह दरूद पे ले आए दरूद की तस्वीर उनके हाथ में दे दें तो उनकी तबाह में नफासत भी आएगी उनकी तबाह में लताफत भी आएगी उनकी तबाह में रिक्क़त भी आएगी उनकी तबाह में महबत भी आएगी उनकी तबाह के अंदर जो है वो लियाकत भी पैदा होगी दरूद पढ़ने वाला बच्चा जहनी इस इस्तेदाद में दरूद ना पढ़ने वाले बच्चे से बेहतर होता है ये भी आप तजुर्बा करके देख लें दो बच्चे बराबर जहनी इस्तेदाद रखते हों और उनमें से एक बच्चा दरूद पढ़ता हो और एक दरूद ना पढ़ता हो तो दरूद पढ़ने वाला बच्चा आगे होगा ये दरूद की बरकतें हैं ये दरूद की राहमतें हैं तो दरुद किसरत से पढ़ना अपनी औलाद को सिखाएंगे हफ्त रोजा आप महाफिल का घर में इनका कर लीजिए और उसमें सिर्फ ही पढ़ लीजिए तो इनशाला उससे आप देखेंगे कि औलाद को उसका फर्क पड़ता है ये तरबियत का एक आसान नुस्खा है और ये वो वजीफा है जिससे थकन नहीं होती ये वो वजीफा है जिससे तबीयत में तलखी नहीं आती कहते हैं वजीफा मैंने पढ़ा है तो वजीफा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत में ही हो गया है वो बात कहते हैं वजीफा उल्ट पड़ गया है बड़े वजीफे उल्ट पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद उल्ट नहीं पड़ता दरूद है ही सीधा ये उल्टों को भी सीधा कर देता है तो दरूद पढ़े और ये मुंह भी मीठा रखेगा ये दिल भी ठंडा रखेगा ये दुनिया भी ठंडी रखेगा और आखिरत भी ठंडी कर देगा दरूद चराग भी है दरूद कस्तूरी भी है खुशबू भी है महक भी है शहद भी है गुलाब भी है खंड भी है और सीने की ठंड भी है तो दरूद अपनी तबा के अंदर अच्छी तरह से रासक कर रहे और अपनी औलादों की तबा में इसको रासक करें इससे आप अमलन देखेंगे मैं सालों की बात नहीं करता अशरों महीनों के अंदर आप फर्क पड़ता देखेंगे